नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम भाग्योदय में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, ये मानव काया बड़े जतन से मिली और वेदों में बहुत सारे नियम बताए गए, उपनिषदों में नियम बताया गया और वेदों को जब समझ नहीं पाए गए तो शास्त्र लिखा गया। वेदों का नेत्र ज्योतिष है, ये जाना गया है। अगर ये रोग हो जाता है तो इस कमी कारण हो जाएगा, वो कमी या किस कारण होगा, कौन से ग्रह प्रभावित होंगे, इस बात को समझा गया तो ज्योतिष की रचना की गई। आज हम आपको बताएंगे कि राशि के अनुसार आपके जीवन में किस किस तरह का रोग हो सकता है और क्या उसका उपचार किया जाए, कैसे उपचार किया जाए, क्या वो सरल तरीका है, माध्यम क्या है, किस देवता की आराधना कर लें, किस तरीके से जीवन शैली को अपनाया जाए कि हमारे जीवन में रोगों से मुक्ति मिल जाए। तो इस विषय पर हम आज आपको बताएंगे राशि के अनुसार। दैनिक राशिफल के बारे में बात करेंगे, आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे, मूलांक के विषय में बात करेंगे और एक सरल सुझाव देंगे कि दिन को बेहतर करने के लिए। लेकिन सबके पहले आइए जानते हैं वास्तु से संबंधित एक महा उपाय, क्योंकि पंचमी और षष्ठी दोनों आज और पौष माह में कृष्ण पक्ष में पंचमी तिथि में पंच देवों की आराधना करने पर वास्तु देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य नारायण, गणेश जी, भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवती दुर्गा, इनकी उपासना प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। और घर में जब आप कपूर जलाते हैं तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा से पूरा घर बहुत उत्तम हो जाता है। वासुदेव को प्रसन्न करने के लिए तुलसी का वृक्ष अधिक लगाना चाहिए। प्रातः काल सूर्योदय पहले उठने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिनके घरों में लोग सूर्योदय के बाद सोए रहते हैं वो तो कितना भी प्रयास कर लें उनका वासुदेव नाराज हो जाते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं। तो वासुदेव को प्रसन्न करना है, विश्वदेव को प्रसन्न करना है, पंचदेव को प्रसन्न करना है, सूर्य नारायण को प्रसन्न रखना है, अपने जीवन को बेहतर करना है तो प्रातःकाल उठना चाहिए। अब आइए समझते हैं राशि के अनुसार कौन से बीमारियां हो सकती हैं, उनका क्या उपचार है और किन देवता की आराधना की जाए जिससे बीमारियां ना आवें या कम आवें तो उन पर हम विजय प्राप्त कर सकें। मेष राशि के जातक, अग्नि प्रधान राशि है, बात बात पर क्रोध हो जाता है, जल तत्व अधिक इनको पीना चाहिए, सूर्य नारायण की उपासना, श्री हनुमान जी की उपासना, सूर्य नारायण को अर्घ देना, श्री हनुमान जी की परिक्रमा करना और रामचरितमानस का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी है। और साथ ही साथ नवम भाव अर्थात गुरु तत्व को भी आपको संतुलन में करना ही होगा, इसके लिए अपने से बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करना ये लाभकारी है। वृषभ राशि के जातक, इनका सप्तम भाव मंगल होता है और ये देखा गया है कि इनका मन बहुत चलायमान होता है, मन में अस्थिरता होती है, कभी बहुत अधिक प्रेम में, कभी घृणा में, कभी अहंकार में, इस तरह का भाव बना रहता है। भगवान शिव की आराधना करने पर लाभ होगा, गणेश जी की आराधना करने पर लाभ होगा, पूरब दिशा में अपने घर का द्वार रखने पर लाभ का योग बनेगा और बहुत आवश्यक है कि बेला का पुष्प भगवान शंकर को आप अर्पण करेंगे प्रति सोमवार तो जीवन में शुभता बनी रहे। मिथुन राशि के जातक, सप्तम भाव गुरु का होने के कारण जीवन साथी में अहंकार आ जाता है, मन मुटाव हो जाता है दोनों पक्षों में,
तो इसमें सूर्य नारायण की पूजा करना, सूर्य नारायण को जल जब आप अर्घ दें तो जल में हल्दी डाल दें उत्तम होगा। गायत्री मंत्र का पढ़ना, त्वचा के विकार हो जाते हैं तो तुलसी दल का सेवन करना, गणेश जी की पूजा करना, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना बड़ा परम कल्याणकारी होता है। और साथ ही साथ आपको तीर्थ आदि जो क्षेत्र हैं तीर्थ यात्रा करना चाहिए तो लाभप्रद होता है। कर्क राशि के जातक, इनका भावनात्मक पक्ष बड़ा अद्भुत होता है। बात बात में रोने लगते हैं और बात बात में ये झगड़ा भी करने लगते हैं। अपने आप को सिद्ध करने के लिए ये अक्सर देखा गया है कि ये झगड़ा करने लगते हैं। ये जो कह दें उसको मान लो तो आप प्रिय हो जाएंगे और न मानो तो आप शत्रु बन जाएंगे। इस तरह की इनके लिए ज्यादा ग्रसित होते हैं। तो भावना प्रधान राशि होती है। जल तत्व को संतुलन में करना होगा और साथ ही साथ देवी की आराधना करने पर जीवन में लाभ होगा और सायंकाल में शनिदेव की भी पूजा करने पर रोगों से निवृत्ति होगी, रोग कम होंगे। जल तत्व की वृद्धि ज्यादा होती है तो उदर विकार की संभावना, त्वचा में संक्रमण की स्थिति आती है। लेकिन जल तत्व को यदि आप संतुलन में रखेंगे तो बहुत सारी चीजों पर आप संतुलन बनाए रखेंगे। सिंह राशि के जातक, देखा गया है कि अग्नि तत्व प्रधान होता है, पित्त इनको बढ़ा होता है, रक्तचाप की समस्या बढ़ जाती है हो जाती है। और अक्सर देखा गया कि इन्होंने नियमित नहीं किया तो इनको मधुमेह की समस्या हो जाना, थायराइड हो जाना। तो इस तरह रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड, हृदय के विकार हो जाना इस तरह देखा गया है। लेकिन सूर्य नारायण को अर्घ देना, गायत्री मंत्र पढ़ना, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, भगवान शिव की उपासना करने पर रोगों पर नियंत्रण बना रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। कन्या राशि के जातक, इनका पारिवारिक पक्ष बड़ा गड़बड़ होता है। उदर विकार, सिर से संबंधित तनाव और त्वचा के विकार होने की संभावना बनी रहती है। तो क्या करना चाहिए? पपीते का सेवन करना, गणेश जी का पूजा करना और इसके साथ में तीर्थ आदि यात्रा करना, गंगा जल डालकर जल में स्नान करना बड़ा लाभकारी होता है। अक्षत चावल का दान करना भी हितकारी होता है। अब ये चार राशियों का हाल पहले लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा विराम लेंगे, उसके बाद अन्य बची राशियों के बारे में बताएंगे कि कौन सा रोग और किस तरह उसके उपचार किया जाए। मेष राशि के जातक, विचारधारा आपकी बदल सकती है, सकारात्मक सोच बनाए रखें और चावल का दान करना आपके लिए हितकर होगा। संतान पक्ष का ख्याल रखें, पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग करें। शुभ अंक आपका 2 है, भाग्य आपका 82%। वृषभ राशि के जातक, यात्रा का सुखद योग बना है, मित्रों और रिश्तेदारों से सहयोग बनेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने का योग भी है। माता पिता की सेवा करें और सानिध्य भी प्राप्त किए रहें। माता पिता से दूर जाने पर बहुत सारी नकारात्मक चीजें आप में आ सकती हैं। बादामी रंग के वस्त्र का प्रयोग करें। शुभ अंक आपका आज के दिन 4 है, भाग्य आपका 58%। मिथुन राशि के जातक, संबंधियों के द्वारा थोड़ा तनाव मिल सकता है, परिवार में आपस में कहासुनी होने का योग बना है, तो थोड़ा मन पर और अपनी वाणी पर संतुलन बनाए रखें, सोच समझ कर कार्य करें। आज सेब खाने पर लाभ होगा और आज के दिन आपको हरे रंग के वस्त्र का चयन करना चाहिए। शुभ अंक आपका आज के दिन 5 है, भाग्य आपका 52%। कर्क राशि के जातक, उदासीनता हो सकती है, जीवन साथी को अचानक कहीं चोट लग सकती है, सावधान रहें। पीली राई 2 दाना खाकर यदि आप जाते हैं घर से बाहर तो लाभ होगा और आज के दिन आपको पीच कलर का वस्त्र धारण करना चाहिए। शुभ अंक आपका 1 है, भाग्य आपका 61%। तो अब वक्त हो गया है छोटे चल विराम का,
अल्पविराम पर जाने के पहले आपको सूचित कर दें कि किसी भी तरह का कोई भी समस्या है, आप उसका ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं। हमारा मेल है लाइफ टुडे भाग्योदय @gmail.com।